अपने व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आज आप अति व्यस्त रह सकते हो, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती है, नौकरी करने वाले लोग आज अपनी उपलब्धियों से असंतुष्ट रह सकते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ने के साथ साथ आमदनी में वृद्धि नहीं हो रही ऐसा प्रतीत हो सकता है, नौकरी करने वाले लोग आज बेहतर विकल्प की तलाश में रहेंगे, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी अन्य सहकर्मचारी का कार्य आपको ही करना पड़े ऐसा हो सकता है, या आपके आगे बैठकर कार्य करने वाले लोगों के नकारात्मक प्रदर्शन की वजह से कुछ कार्य आपको फिर से करने पड़े ऐसा संभव है, लेकिन दिन पूरा होने तक आर्थिक रूप से प्रगति करेंगे, लक्ष्यांक प्राप्त होगा, दिन के उपरांत में आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए दिन कुछ हद तक प्रतिकूल रह सकता है, इनके कार्य में बाधा आ सकती है, इनके द्वारा लिए गए किसी फैसले के ऊपर विवाद हो सकता है, निष्ठा से अपना कार्य करते रहे, शेयर बाजार में निवेश के लिए जिन ज्यादा अनुकूल नहीं है जहाँ तक संभव हो आज किसी भी प्रकार का निवेश ना करें, पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है, कुछ नजदीकी पारिवारिक सदस्य आपके नाराज या असंतुष्ट रह सकते हैं, चाहते हुए भी आप परिवार के साथ आवश्यक समय ना बिता पाए ऐसे संयोग की वजह से परिवार में आपस में मनमुटाव हो सकता है, कार्तिक दिन में प्रगति के साथ साथ पारिवारिक जीवन को भी महत्व दें, ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ बिताने की कोशिश करें, स्वास्थ्य के मामले में आज आप बाध्यशाली साबित होंगे, लेकिन अति व्यस्तता के कारण आंख गर्दन या पैर से जुड़ी हुई कोई छोटी समस्या रह सकती है, विद्यार्थी वर्ग के लिए सभी मुद्दों पर दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, विद्यार्थी वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए और बुजुर्गों के लिए दिन लाभदायी और आनंददायी रहेगा, कुल मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन